हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो ड्राइव होती है माय कंप्यूटर, उसके पार्टीशन अलग करना। जैसे हमारे ड्राइव में दो पार्टीशन है, तो या तीन पार्टीशन है या एक पार्टीशन है, उसमें हम एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो उसके लिए हम अपने ड्राइव को देखो, जैसे मेरे पर ये दो ड्राइव हैं, दो ड्राइव में एक तो मेरी ड्राइव को मैं तीन पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैनेज में जाकर माय कंप्यूटर में डिस्क मैनेजमेंट में, और डिस्क मैनेजमेंट में जाकर देखो मेरे पास दो पार्टीशन है, इसमें से मैं एक पार्टीशन और क्रिएट करना चाहता हूँ। जिस पार्टीशन में से आप श्रिंक करना है, उसको श्रिंक करने के लिए जैसे मेरे पास ये ड्राइव है, इसमें से मैं श्रिंक करता हूँ अपने जो 400 GB का है, 400 GB में से इसमें से मैं 200 GB को श्रिंक करता हूँ ये। और इसमें से यहाँ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 200 GB के लिए 1024 से गुणा 200 को कर लेंगे, जो भी हमारा निकल कर आएगा। मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, एक हजार चौबीस गुणा 200, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पर ये इस टाइप से और इसको श्रिंक कर दिया, हमारा इतना पार्टीशन 200 GB का ही अनलॉक्ड आ गया। अब इसको लॉक्ड करने के लिए मतलब पार्टीशन क्रिएट करना है, मतलब हमारा फ्री स्पेस आ गया है। अब इसको हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू और नेक्स्ट, और पूरा पार्टीशन क्रिएट करना है हमें, नेक्स्ट और ये फिनिश। अब ये पार्टीशन हमारा क्रिएट हो गया है। कुछ देर में फॉर्मेटिंग चल रही है, उसकी ड्राइव फॉर्मेटिंग पर लगा हुआ है, वो फॉर्मेट हो जाएगा। ये अभी पार्टीशन आया नहीं, और एक दो मिनट में वो पार्टीशन आ जाएगा। अभी फॉर्मेटिंग पे लगा हुआ है वो। फॉर्मेटिंग के बाद देखो ये पार्टीशन आ गया है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो।